हे गाइस, दिस इज किन्नरी सिंह एंड अ वार्म वेलकम टू ग्लिट्स विशन यूएसए। जैसे कि आप सबको पता है कि पारस के क्लेम के बाद कि किस तरह से अनुपमा की जो पूरी स्टार कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, उसके बाद चाहे निधि हो, आशीष हो, सब ने ये क्लैरिफिकेशन दिया कि कैसे पारस की बात गलत है। और अब मुस्कान, जो कि अनुपमा शो में पाखी का कैरेक्टर प्ले करती है, उन्होंने भी कहा है कि पारस की जो बातें हैं वो झूठी है और अनुपमा का सेट टॉक्सिक नहीं है। मुस्कान का कहना है कि सेट पे बात प्रोडक्शन की करे या पैसों की करे तो हर चीज़ टाइम पे मिलती है, और जो सेट का माहौल है वो काफ़ी कॉर्डियल है, काफ़ी पॉजिटिव है, और शूट भी जो है कभी बिना किसी रुकावट के हमेशा पूरा हुआ है। एट द सेम टाइम मुस्कान का ये कहना है कि पारस के खुद के इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मुस्कान का ये कहना है कि वो खुद एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सेट की किसी भी बातों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है, और जैसे ही शूट ख़त्म होता है वो अपने मेकअप रूम में चली जाती हैं, और उसके बाद जब शूट रीस्टार्ट होता है तभी वो सेट पे जाती है। तो मुस्कान ने एक तरीके से कम्प्लीटली पारस के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने तो ऐसा कुछ सिचुएशन फेस नहीं किया है, अगर पारस ने फेस किया है तो वो पारस के प्रॉब्लम्स है और पारस के खुद के इश्यूज हो सकते हैं। वलेक के बाद एक अनुपमा के जितने भी कोस्टार्स हैं वो पारस के क्लेम्स को गलत ठहरा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो तीनों लोग हैं, क्या वो प्रोडक्शन के प्रेशर में आके ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं या फिर पारस के क्लेम्स वाकई गलत है? आप जो भी सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए फॉलो कीजिए ग्लिट्स विजन यूएसए को। हाय गाइस, दिस इज आशी सिंह एंड यू वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन यूएसए। लाइक, सब्सक्राइब एंड